अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का विद ग्रीन मसाला। इसको बनाने के लिए हमें बोनलेस चिकन, जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिल्ली, लेमन जूस, मिंट और कोरिएंडर चाहिए। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे और जो बोनलेस चिकन लिया है इसमें सबसे पहले ग्रीन मसाला जो हमने पीसा था वो इसमें डाल देंगे। 2 टेबलस्पून इसमें योगर्ट ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 2 टेबलस्पून मायोनीज ऐड करने के बाद इसमें अब हम मसाले ऐड करेंगे। कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ज़ीरा पाउडर और साल्ट और थोड़ी सी अजवाइन। इसको इसमें शामिल चिकन में शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ओवरनाइट के लिए इसको छोड़ देंगे। ये चिकन जो मैंने बोनलेस चिकन लिया है ये मैंने लेग का लिया है। लेग के चिकन के जो कबाब हैं वो बहुत ज़्यादा जूसी बनते हैं। ओवरनाइट के बाद चिकन जो है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब इसमें 2 टेबलस्पून जो है ऑयल डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद लकड़ी की एक स्टिक लेंगे और उस पर बोटियों को 1 by 1 लगा लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तमाम चिकन के पीसेस को हमने इस स्टिक पर 1 by 1 लगा लेना है। जो लेग के बोनलेस चिकन होता है वो बहुत ही जूसी होता है और जब इसके चिकन टिक्के बनते हैं तो वो बहुत अच्छे बनते हैं, वो ड्राई नहीं होते। अब मैंने सब चिकन के पीसेस को वुडन स्टिक पर लगा लिया है। अब एक ट्रे कुकिंग ट्रे लेंगे और उसको ऑयल से ग्रीस करेंगे और उस पर ये स्टिक 1 by 1 रख देंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक इस ट्रे पर पकाएंगे ताकि जो इसके साथ मसाला लगा हुआ है वो अच्छी तरह इसके साथ लग जाए। एक ग्रिल रखें, इस चूल्हे पर एक ग्रिल रख देंगे और उस पर ये जो स्टिक्स पे हमने चिकन टिक्के लगाए थे वो इस पर रख देंगे और इसको थोड़ा थोड़ा ऑयल के साथ ग्रीस करते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। और जब ये अच्छी तरह से पक जाए तो इसको उतार लेंगे। और चिकन टिक्का अब रेडी हो चुका है। इसको एक ट्रे में सर्व करेंगे। इस ग्रीन चटनी, इमली की चटनी और हुमस के साथ इसको सर्व करें और ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।